और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ही जबरदस्त आपको दिखने लगेंगे। मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रेकमेंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। मैंने अभी जो है वो अपने बालों को डाई किया है। आपने इंट्रो में भी देखा होगा कि फहद मुस्तफा ने भी इस शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट की हुई थी और ये शैम्पू मैंने खुद भी यूज किया हुआ है। मैंने अपने सास ससुर को भी यूज करवाया हुआ है और अपनी कजन को भी यूज करवाया हुआ है जिन जिनके बाल सफेद थे। तो आज ही मैंने अपने सफेद बालों को कलर करने के लिए ये शैम्पू यूज किया है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर मैं दिखाती हूँ शैम्पू कौन सा है। तो भाई, जो मेरे पास म्यूसिन का जो हेयर कलर शैम्पू है वो दो कलर में है, एक ब्लैक कलर है और एक है ब्राउन कलर। तो मेरे बालों का जो कलर है वो ब्लैक है, आप सबको पता ही है, तो मैं अपने बालों पर ब्लैक ही यूज करूंगी। मेरे सास ससुर जो है वो इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, मैंने उनको लेके दिया था क्योंकि उनके बाल काफी सफेद है। तो मैंने कहा था आप जो डाई करवाते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हो, टाइम वेस्ट तो उससे बेहतर है आप ये शैम्पू यूज कर लो। इस शैम्पू के अंदर जो है ना वो नेचुरल चीजें आपको नजर भी आ रहा होगा, इसको नोनी फ्रूट, आर्गन, घिंगर, टिटरी, एंजेलिका और इसके अलावा इस तरह की और भी चीजें जिससे मिलके ये बना है शैम्पू। दूसरी चीज ये है कि ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, आपको लेता से कंडीशनर भी यूज करना नहीं पड़ता। और तीसरी चीज ये कि आपके बाल जो होते हैं सफेद बाल वो भी कलर हो जाते हैं। अंदर से भी इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है और दूसरे वाले की पैकिंग आपको निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो की थी तो सबने मुझसे पूछा था कि आप क्या इसमें ब्राउन कलर अवेलेबल है, तो इसमें ये ब्राउन कलर भी अवेलेबल है। जो लोग अपने बालों को काला नहीं करना चाहते ब्राउन करना चाहते हैं तो वो लोग इसमें ये वाला कलर बाय कर सकते हैं। ब्लैक और ब्राउन दो ही कलर हैं, इसके अंदर तीसरा कलर नहीं है। आई विश के इसके अंदर और मजीद ये कलर रेंज निकाले। तो पहले आपने अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद अपने हाथों में ग्लव्स पहनने हैं और उसके बाद आपने ड्राई बालों में शैम्पू की एप्लीकेशन करनी है। ये शैम्पू जो है वो ड्राई बालों में लगता है और 15 मिनट जो है वो कम से कम आपने लगाना होता है। अब आपके बालों पर डिपेंड करता है कि आपके बाल कितना व्हाइट है। जिसका बाल ज्यादा व्हाइट है तो वो ज्यादा देर लगा ले, वैसे 15 मिनट जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। मैंने इस शैम्पू को यूज किया था तो मेरे 2.5 महीने तक सफेद बाल जो है वो कवर रहे थे। अब ये भी हर किसी के ऊपर है, हर किसी के बाल डिफरेंट होते हैं, हर किसी के सफेद बाल जल्दी निकलते हैं, किसी के देर से निकलते हैं, किसी के ज्यादा सफेद बाल होते हैं, मे भी उसके ऊपर जल्दी शैम्पू उतर जाए। तो ये हर किसी के ऊपर इसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। जरूरी नहीं कि जो रिजल्ट मेरे ऊपर है वही रिजल्ट आपके ऊपर हो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये शैम्पू यूज किया था तो 2.5 महीने तक मेरे सफेद बाल जो है वो इसने कवर रखे थे। देखिए ये शैम्पू की पैकिंग है, हम यहाँ से इसका सबसे पहले ये स्टॉपर उतारेंगे, क्योंकि अगर ये उतारेंगे नहीं तो उसके बगैर ये शैम्पू जो है वो वर्क नहीं करेगा। डबल वो है, एक तरह से कंडीशनर निकलता है, एक तरह से शैम्पू निकलता है। इसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद जो है क्योंकि अभी न्यू है, ये देखें ये हमारा शैम्पू आ गया है। एक तरह से कंडीशनर आ रहा है और एक तरह से शैम्पू आ रहा है। कलर देखें सब किस तरीके का है। तो हमने जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से लेके अपने ड्राई बालों पर इसको लगाएं, तो इतना जो है वो मेरे बालों के हिसाब से इनफ है। अब इसके नीचे वापस मैं इसका स्टॉपर लगा दूंगी ताकि ये ग्रे ना और कहीं दाग वगैरह ना लगे इसका। मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद इसको बालों पर लगा रही हूँ। इसको लगाना बहुत आसान है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने सारे बालों पे इसकी अच्छे से कवरेज दी है, कोई बाल जो है वो आपका रह नहीं गया। और केयरफुली लगाएं, वैसे जो इसका कलर चढ़ता है ना, अगर फॉरहेड पे लग जाता है या कान पे लग जाता है तो वो उतर जाता है। इसका ये सबसे अच्छी बात है कि जैसे दूसरे कलर्स होते हैं वो उतरते नहीं है, 3-4 दिन ना माथा या कान जो है वो काले ही रहते हैं, तो इसका ये वाला इशू नहीं है। इसके कलर जो है वो उतर जाते हैं, आप साबुन से धो अच्छे से आराम से उतर जाते हैं। और बाकी ये है कि बालों में कोई तेल वगैरह ना लगा हुआ हो, इसको यूज करने से पहले बाल जो है वो आपके साफ होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। फेस पे लग गया है, अब इसको साफ करूंगी तो ये फौरन से साफ हो जाएगा। ये देखें, अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे साबुन लगा के भी साफ कर लूंगी इसको अच्छे से। क्लोज से भी दिखा रही हूँ कि एक तरफ कंडीशनर है, एक तरफ कलर वाला शैम्पू है, ठीक है। तो जब इसको मिक्स करते हैं तो उसका कलर ऐसा आता है। दूसरा भी कलर यूज करते हो तो उसमें भी आप ये चीज मेक श्योर करते हो ना कि कहीं से कोई सफेद बाल रह ना जाए। आप पार्टिंग करके अच्छे से चेक करते हो, बेशक आप मेहंदी लगाओ या कोई कलर लगाओ बालों में, तो आप चेक करते हो ना। तो सेम ऐसे इसको भी होता है कि आप इसको लगा के अच्छे से मसाज करो कि कोई बाल आपका रह ना जाए कहीं से सफेद, और अच्छे से जो है वो एक एक बाल के ऊपर कलर आ जाए ताकि कोई ऐसा ना हो जगह रह जाए। तो अब आपकी मर्जी आपने कितनी देर इसको लगा के छोड़ना है। मैं सिर्फ 15 मिनट लगा के छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे 4 या 5 सफेद बाल हैं जो मुझे होता है कि कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसको 15 मिनट बाद आपको वॉश करते हुए इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। अच्छी बात जो मुझे इस शैम्पू की लगती है वो ये है कि ये शैम्पू जो है वो हमारे पैसे बचाता है। आपको अलग से कंडीशनर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से शैम्पू खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको से कलर खरीदने की जरूरत नहीं है। 3-in-1 शैम्पू है वैसे ये, मतलब ये आपके बालों को कलर भी करता है, शैम्पू भी करता है और कंडीशनर भी करता है। देखिए मैंने अभी सिर्फ यही शैम्पू यूज किया, आप नजर आ रहा होगा मेरे बालों के ऊपर कितना अच्छा कलर आया हुआ है, जो मेरे बालों का नेचुरल कलर है वो। और व्हाइट हेयर को इसने कितने अच्छे से कवर किया है, आपको नजर आ रहा होगा कहीं पर भी कोई व्हाइट हेयर नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा शैम्पू मैंने लगाया था तो मेरे माथे पे भी लगा था, मेरे गालों पे भी लगा था, कहीं पे भी कोई निशान आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये शैम्पू ऐसा है कि अगर इसका वो निशान लग भी जाता तब आप साबुन से फेस धोते हो तो आपका वो निशान आपके फेस से उतर जाता है, स्किन के ऊपर नहीं ठहरता। बालों पे ठहरता है लेकिन स्किन पे नहीं ठहरता इसका कोई भी निशान।
ओके भाई, तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको लगे हुए और जो थोड़ा बहुत माथे वगैरह पे लगा था वो मैंने साफ कर लिया है। अभी साबुन से धोऊंगी तो और अच्छे से साफ हो जाएगा। मैं अपने बालों को धोने लगी हूँ। भाई तो देखिए मेरे बाल अभी हल्के से गीले हैं लेकिन ड्राई हो गए हैं। मैंने कोई और चीज बालों में नहीं लगाई, कोई कंडीशनर नहीं लगाया, कोई और शैम्पू नहीं लगाया, वही शैम्पू जो आपके सामने लगाया था ड्राई बालों में उसको मैंने वॉश किया। आपने वॉश होते हुए भी देखा कैसे रिजल्ट है उसके। और अभी बाल देखें कितना अच्छा वॉल्यूमाइज खिला खिला बाल लग रहा है। मतलब ये शैम्पू भी जो है ना वो आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये शैम्पू आपके बाल खराब करेगा। आपको इस कलर शैम्पू के ऊपर कोई और चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके व्हाइट बालों को भी कवर करेगा और इसके अलावा आपके बालों को शैम्पू भी करेगा और कंडीशनर भी करेगा और रिजल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन पे लग जाता है, कलर तो हटता नहीं है। कितने कितने दिन मुंह खराब जाता है, ईद पे लगाओ या शादी पे लगाओ, तो इसका ये भी इशू नहीं है। अगर ये आपकी स्किन पे लगता है तो ये फौरन से हट जाता है। आपको नजर भी आ रहा है मेरी स्किन पे लगा था और फौरन से हट गया। मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, ब्लश लगाया और लाइनर, क्योंकि मैंने इवेंट के ऊपर जाना था आज और इसीलिए ही मैंने अपने बालों को कलर किया था ताकि मेरे व्हाइट हेयर है वो अच्छे से कवर हो जाए। बाकी इससे बाल इतना फ्लफी हो गया है, ये देखें सही वॉल्यूम वाइज बाल हो गया मेरा इस शैम्पू प्लस कंडीशनर से, तो बहुत अच्छे मुझे इसके रिजल्ट लगे हैं। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे लगे हो। शैम्पू जो है वो दो कलर में अवेलेबल है, काला और ब्राउन, दोनों रंग इसमें अवेलेबल है क्योंकि यही दो रंग होते हैं मोस्टली जो लोग यूज करते हैं जिनको व्हाइट हेयर का इशू है और वो कवरेज चाहते हैं, तो ये बेस्ट चीज है। शैम्पू के भी पैसे बचेंगे, कंडीशनर के भी पैसे बचेंगे और बाल जो है वो भी आपका कलर हो जाएगा और कोई इसके नुकसान भी नहीं है। ये शैम्पू जो है ना क्योंकि इसके अंदर ब्लीच नहीं है तो ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता जैसे दूसरे कलर करते हैं। मैं अपने बालों में कलर नहीं करती, आपको अच्छे से पता है कि मुझे कलर जो मैंने एक दफा किया था मेरे बाल काफी डैमेज हुए थे, उसके बाद मैंने कलर करना अपने बालों को छोड़ दिया है। और अगर कभी व्हाइट हेयर को कवर करना हो तो मैं इसी शैम्पू से कवर कर लेती हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस शैम्पू के बारे में रिव्यू भी मिल गया होगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने सफेद बालों से तंग है, आप भी अपने ग्रे हेयर को कवर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और जो लिंक मैं आपको देती हूँ ना म्यूसिन का, वहीं से बाय क्या करें क्योंकि म्यूसिन के काफी ज्यादा फेक आइटम्स जो है वो बाजार में सेल हो रहे हैं। जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी वो म्यूसिन का ऑफिशियल लिंक होगा जो कि रजिस्टर्ड है और जो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप बाजार से लेकर यूज कर रहे हो शैम्पू और उसमें आपको कंप्लेन आ रही है तो वो फिर आप मुझे नहीं बोल सकते कि आप ही हमें इसके से रिजल्ट नहीं मिले। इसकी 2 नंबर और 3 नंबर कॉपीज भी जो है वो मार्केट में मिल रही है आपको कम प्राइसेस में। अगर आप वो लोगे कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो लिंक मैं देती हूँ अगर आप वहां से बाय करोगे तो आपको 100% ओरिजिनल मिलेगा। कभी कोई कंप्लेन आती है जैसे पैकिंग सही नहीं है, ये प्रोडक्ट टूटा हुआ आया, तो वो मैं आपको रिप्लेस करवा के दे सकती हूँ। आप उसी से बाय करते हो जो मैंने दिया। इसके अलावा आजादी सेल लगी हुई है 14 अगस्त से, तो तमाम ब्रांड्स ने आजादी सेल लगाई हुई है। म्यूसिन ने भी आप लोगों के लिए आजादी सेल लगाई हुई है। तो फिर आप लोग सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां से जाके आप लोग बाय कर सकते हो, डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो और आजादी सेल का भी फायदा उठा सकते हो। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि अच्छी लगी होगी। बताना मेरे बाल कैसे लग रहे थे डाई होने के बाद, और बाल मुझे बताना फ्लफी लग रहा था आपको भी कि नहीं लग रहा था। ये देखे अभी तो मैंने सारे बाल भी आगे नहीं किए, मतलब एक पोर्शन आगे और बाकी बाल मेरे पीछे हैं, फिर भी बाल कितना फ्लफी लग रहा है, कितना घना लग रहा है। मतलब शैम्पू का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है इसके, तो कोई और चीज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लग रही थी और बाल अच्छे लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, ये भी जरूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।